दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में रविवार सुबह 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 43 लोगों की मौत हुई। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग ज्वलनशील सामग्री से भरी हुई थी। उसमें सिर्फ एक दरवाजा था जो पतली गली की ओर खुलता था। दमकल कर्मियों ने बताया कि जलती सिलाई मशीनों, प्लास्टिक के खिलौनों, डिब्बों, कपड़ों आदि से निकलते घने जहरीले धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बचाव अभियान चलाने में काफी दिक्कतें आई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने कहा, दमकल की 30 से अधिक गाड़ियां और कई एम्बुलेंस भवन के आसपास भीड़भाड़ वाले इलाकों में पहुंची, जहां कई अवैध कारखाने मौजूद हैं। वहीं 150 दमकल कर्मी 63 लोगों को बाहर निकालने और आग को बुझाने में जुट गए। आग तड़के 5:22 पर लगी। अधिकारियों ने बताया कि 600 गज के भवन में सिर्फ एक दरवाजा था, लिहाजा दमकल कर्मियों को अंदर घुसने के लिए खिड़कियों और लोहे की जालियों को काटना पड़ा। उन्होंने कहा कि पतली गलियों में एक बार में केवल एक ही गाड़ी भेजी जा सकती थी। अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जो भवन के दूसरे भाग से शुरू हुई। सदर बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि रिहायशी इलाके में अवैध फैक्ट्रियां और सिर पर लटकते तारों ने इस मुगलकालीन व्यापार केंद्र को टाइम बम बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस हालत के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। दिल्ली सरकार ने इस घटना के मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देते हुए 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस घटना को 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के बाद राष्ट्रीय राजधानी में आग लगने की सबसे बड़ी घटना बताया जा रहा है। उपहार अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। जो अभी तक कारणों का पता चल रहा है, शॉर्ट सर्किट है और एक बिल्डिंग के एक चौथे फ्लोर पे मैक्सिमम जो लोग वहाँ पे रात को सोए हुए थे, आग लगने के बाद कुछ जलने से और कुछ लोगों की सफोकेशन से कैजुअल्टी हुई है। ये बहुत दुखद घड़ी है, शब्द नहीं मिल रहे हैं क्या कहा जा सकता है। सर, दिल्ली के उपहार कांड के बाद ये सबसे बड़ा बहुत सरकार इस जिम्मेदारी को इतनी जल्दी तय नहीं करना चाहिए। अभी जो जांच हो रही है, तफ्तीश हो रही है, उसके नतीजे पे आने दीजिए। सरकार कह रही है कि नगर निगम को ये चेक करना चाहिए गांव में इस तरह की बिना लाइसेंस की फैक्ट्री चल रही है। मैं समझता हूं इस तरह से इस समय बात करना ठीक नहीं है। हम इस पे अभी कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत दुखद घड़ी है और इस घड़ी में अभी हम संवेदना प्रकट करते हैं। और ये जो भी हमारे जो कैजुअल्टी हुई है, हम उस परिवारों के साथ खड़े हैं और उन परिवारों को हम पार्टी के तरफ से भी 5-5 लाख रुपए की सहायता त्वरित करेंगे और घायलों को 25-25 हज़ार रुपए की देंगे पार्टी के तरफ से। अभी उनको सहायता करने का समय है, बाकी तफ्तीश के बाद जो भी आएगा वो हम आपसे सामने रखेंगे। जो भी परिवार इफेक्टेड हैं, चाहे वो पूर्वांचल से हो, यूपी, बिहार से, वो हमारे भाई बहन हैं, हमारे नागरिक हैं, इसलिए कहना कि सबसे ज़्यादा कहीं से आए लोगों की हुई। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, सुबह 5:22 पर दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को ये सूचना मिली। कुछ ही मिनटों में वो पहुँच गए और मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि इस समय जो सहायता दी गई और जो हमारा कर्तव्य बनता है, इस समय हम पूरी सहायता उन परिवारों को दें और जो अफेक्टेड है उन तक पहुंचाएं।